हर निपुण गृहिणी को मिलनी चाहिए बेस्ट हाउसवाइफ की ट्रॉफी, पर वंदना वागले के नसीब में तो आज नहीं लिखी है एक कप कॉफी। एक छोटी सी बात को लेकर वंदना सबसे रूठ गई। ऐसा क्या हुआ कि सब्र की सीमा टूट गई? वंदुरानी आई राज, ब्रोकर से प्लीज बात कर लेना, दादर का घर देखने कुछ कस्टमर जाने वाले हैं। ओके मम्मी मम्मी। हाँ, एग्जाम में फेल होने की क्या पनिशमेंट होगी? बहुत डंडे पड़ेंगे सर पे। ओहो, बिचारी सखी दीदी, उसको तो बहुत डंडे पड़ेंगे। क्या हुआ सखी को? देखो, अरे मम्मा, मैं वो थियोरी ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी ना भूल गई, और वो अकाउंट्स और बुक कीपिंग में वो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है ना, उसमें तो मुझे जीरो मिलने वाला है। You know what? मुझे तो लग रहा है कि मैं ना प्रीलिम्स में फेल होने वाली हूँ दोनों सब्जेक्ट में। मम्मी, हाँ? दीजिए तो डंडे एडवांस में। तू स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा? नहीं। जिया, बेटा तुम रिवीजन कराओ ना सखी का। आंटी मैं क्या बताऊँ, मैं खुद इंग्लिश और रूसी में सब कुछ भूल गई हूँ और चार सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ। ओह सुपर्ब। मम्मा, सॉरी, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, दोनों बैठो, मैं घर आती हूँ। बैठो बैठो बैठो। हेलो आंटी। हाँ गार्गी कुमारी, देखो आ गई स्कॉलर। गार्गी, तुम कॉन्फिडेंस बूस्ट करो इन दोनों का। आंटी मैं प्रीलिम्स में बैठने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि मैं छह सब्जेक्ट में फेल होने वाली हूँ। छह? तो एक काम करो, तुम भी बैठ, चलो बैठ जाओ लाइन। मम्मी मैं तीन अंडे लेके आऊ? तीनों डंडे तेरे सर पे पड़ेंगे, चल स्कूल जा और मास्क पहन के जाना। फेल, फेल। चलो फाइनल अकाउंट्स का रिवीजन शुरू करो, मैं एग्जाम लेती हूँ। वंदुरानी। हाँ राज। ये देखो ना, मेरे ब्रांड न्यू शर्ट का बटन टूट गया। अरे ओहो, मैं अभी लगा देती हूँ। लेकिन ये ऐसा सेम वाला मिलेगा? हाँ, ये जो शर्ट का कोना है ये देखो। मैं हमेशा सोचता था ये रेडीमेड शर्ट वाले यहाँ एक्स्ट्रा बटन क्यों लगाते हैं। ना मेरे मैनेजर। अच्छा सुनो, धागा थोड़ा 19-20 है, चलेगा ना? कौन नोटिस करेगा। सर, आपके दो बटन के धागे अलग अलग कलर के हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यश सर। हाँ गुड मॉर्निंग चंदू। अरे यार, 3 मिनट लेट हो गया, ट्रैफिक इतना स्लो मूविंग था ना, ऐसे लग रहा था पार्किंग लॉट में बैठा हूँ। सर हाँ, आज अपने बिग बॉस आ रहे सरप्राइज विजिट पर, हम सब की जॉब खतरे में है, अपनी एक कुरियर की कंपनी बेच रहे अपने बिग बॉस तेजवानी सर। अच्छा सब आ गए ना? मक्खी तुझे कॉफी मुबारक। वंदना। आई मां। मुझे पता था सोफे खुले रहेंगे। देख सोफे ना खुले नहीं रहने चाहिए, अरे खुले रहते हैं ना तो खराब हो जाते हैं, इसीलिए मैं पुरानी चद्दर लेके आई हूँ। जब मेहमान आएंगे ना तो ये कवर निकाल देना, ठीक है? वैसे वो सखी की फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो वो भी तो मेहमान। वंदना, अरे फ्रेंड्स थोड़ी मेहमान होते हैं, मेहमान वो होते हैं जो घर पे आते ही नहीं है? नहीं मतलब जब आते हैं ना तो हमें घर एकदम ठीक ठाक रखना पड़ता है ना, उससे मेहमान कहते हैं। मेहमान वो होते हैं जो चुपके से आए और एकदम से हर कोने का मुआयना करे घर के सब चीज का। हाँ, हाँ, हाँ। इसीलिए ना हमें सोफा एकदम टिप टॉप रखना चाहिए। चल ले चादर ले और जटक जटक। अच्छा हाँ। माँ ये तो चादर ही मैं ली। सॉरी सॉरी, अरे ये सीनियर वागले की चादर है ना। अच्छा मैं नई चादर लेके आया। हाँ? हाँ। हाँ। अरे दूध दूध उबल रहा है। हाँ। जा।
Thank God for coffee. पुनीत यहाँ रखना है आराम से, देखना है संभाल के। अरे क्या कर रहे हो गाइस? Excuse me, क्या हो रहा है? हाँ? Hold on. ये handle with care के stickers तुम लोगों ने ही लगवाए ना? तो फिर ऐसे कैसे रखा ट्रॉली पर? Sorry sir. दासानी, क्या nail polish लगा रहे हो? नहीं सर। तो यहाँ आओ। नहीं सर। हाँ? रे दासानी, अरे आज बिग बॉस आ रहे कुछ खास वजह से, आज तो काम करने का नाटक कर। वही नहीं, ये लो मैं कॉफी लेकर आ गई और ये बचे हुए पैसे। आ, ला दे। अच्छा सुन, वॉशिंग मशीन चला दे। हाँ? वही नहीं। हाँ? वो साथियों माले की विद्या वहनी है ना, उसके बारे में मुझे कुछ बताना है। बोल चल। वही नहीं, एक दिन मैंने उसको छुट्टी मांगा, पगार काटा उसने मेरा। हाँ। अब आप भी तो मेरे को छुट्टी देते हैं ना वहनी, देते हैं कि नहीं? हाँ? विद्या वहनी को एक दिन मैंने बोला, विद्या वहनी आई एम वी फॉर वर्किंग वुमन, झाड़ू पोछा बर्तन ये मेरा ऑफिस है और ऑफिस में काम करने वाली हर औरत को छुट्टी लेने का अधिकार होता है, मैं उसके मापिक मामूली गृहिणी थोड़ी हूँ। नहीं वहनी, मेरा मतलब वैसा नहीं था। नहीं, तू बिल्कुल सही बोली आशा, जिस तरह तू एक वर्किंग वुमन है ना, उसी तरह हर गृहिणी भी एक वर्किंग वुमन ही होती है। फर्क बस इतना है कि परिवार काम में हाथ बटा ले तो वो हमारी छुट्टी, और हस्बैंड बच्चे प्यार से मुस्कुराकर थैंक यू मम्मा, शाबाश बंधु ऐसा बोल दें तो वो हमारी तनख्वाह। बराबर बोला आपने। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो, हाउ इज इट गोइंग मिस्टर वागले? लाइक क्लॉकवर्क सर। गुड। क्या सर, सरप्राइज विजिट? नहीं मतलब इधर से गुजर रहे थे, ये कोई खास वजह है? आप लोगों को पता नहीं है आज हमारे सर का बर्थडे है, 60th. But sir, you don't look a day more than 30. एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। ईशा, you keep it. Okay sir. Nail cutter. Wagle? Yes sir. The lunch is on me. वो मैंने cater करवा लिया है. I want everyone in the office at 2:45, all right? Fine sir. And happy birthday sir. Thank you. Excuse me. हलकट है रे, एक नंबर का हलकट है तू दासानी। तो इधर पता था तो बताया क्यों नहीं? मैंने बोला था, आज सुबह ही बोला था कि आज हमारे बॉस का हैप्पी बर्थडे है, लेकिन आज ही आप 3 मिनट लेट आए ना, इसलिए आपने नहीं सुना। हाँ अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो टाइम पे आया था। हाँ, फिर भी नहीं सुना। अच्छा, मेन्यू में क्या ऑर्डर किया ये पता होगा ही, है ना? तो केक ऑर्डर किया सर ने? नो सर, मीठे में ओनली गुलाब जामुन, रबड़ी और सीताफल आइसक्रीम। ठीक है, तो केक मैं ऑर्डर करता हूँ सबकी तरफ से। वही नहीं, अभी अभी पहले जल्दी जल्दी कॉफी पी लो आप। हाँ, दरवाजे की बेल भी बजी ना तो मैं खोलेगी दरवाजा, फोन बजा तो मैं उठाएगी फोन, ऊपर से यमराज भी आया ना तो मैं उसको बोलेगी सेक्रेटरी का फ्लैट 504 नीचे है, उसको लेके जाओ। पहले कॉफी पी लो। तू अपना फोन क्यों बंद कर रही है? तू अपना फोन तो उठा ही सकती है ना? आपका भी फोन मैं उठाएगी। हाँ, अरे हे भगवान, आशा ये तो बहुत गर्म थी। हाँ, मैं फोन उठाते, आप फूक मार के कॉफी पी लो। हाँ हेलो बंधुरानी। नहीं, मैं आशा रानी। वही नहीं, साहब ने फिर से गलती से सही जगह पर रॉन्ग नंबर मारा। हाँ राज, बोलो। तुम्हारा फोन आशा के पास क्यों था? वो एक लंबी कॉफी भरी कहानी है, तुम बोलो। हाँ अच्छा सुनो, आज है ना सर का बर्थडे है, तो स्टाफ की ओर से केक सेलेक्ट करने के लिए ना मैं यहाँ केक शॉप में आया हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। अरे बाप रे। हाँ, मेन्यू कार्ड ला पुनीत। हाँ, तो कौन सा केक ऑर्डर करूँ?
मैंगो कैसा रहेगा? हाँ कर लो, मैंगो इज नाइस है ना? लेकिन सीजन नहीं है ना मैंगो का, फिर वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालेंगे। स्ट्रॉबेरी साउंड्स नाइस ना, फ्रेश रहेगा। हाँ? नहीं स्ट्रॉबेरी, लेकिन वो बहुत क्रीमी होता है। मैं चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ, चॉकलेट ठीक रहेगा ना? हाँ ओके। और तुम क्या हर बात में हाँ हाँ किए जा रही हो हर बार की तरह? राज एक काम करो, फोन काटो और वीडियो कॉल करो और उंगलियां चूज करने के लिए कहो, हाँ नहीं तो सर का बर्थडे ही निकल जाएगा। पुनीत। हाँ सर। बंदू। बाप रे 10 उंगलियां? पुनीत 2 उंगलियां, 12 अलग अलग केक्स है ना तो। तुम्हारी रिंग फिंगर। अरे ये तो स्ट्रॉबेरी वाली उंगली खींच ली तुमने। नहीं मैं चॉकलेट ऑर्डर करता हूँ, आमंड चॉकलेट, वो सेफेस्ट है। लव यू। सिलबट्टे में पिसी चटनी राज को इतनी पसंद है ना आशा, आज शाम को जो सेवपुरी भेलपुरी और चाट का प्रोग्राम है ना, 4 चांद लग जाएंगे। वो ऐसे कमाल है वहीं, आप खिलाते हैं सांप को लेकिन मन तो आपका भर जाता है। नेचुरली दिन भर की पूरी थकान दूर हो जाती है एक मिनट में जब राज कहते हैं, बंदू रानी आज खाना जबरदस्त था। वैसे डिब्बे में दिया क्या है आज? अब जीरा पराठा, तड़के वाली पीली दाल, तेज तरार आलू की लाल लाल सब्जी। हाँ वहनी, सुन के ना मुंह में 20-20 टंकी जितना पानी आया। सुन तो, टिफिन के ऊपर वाले खाली डब्बे में हाँ, एक लव नोट, प्यार भरी चिट्ठी। की परेशान। वैसे साहब ना चिट्ठी का जवाब जरूर लिख कर देंगे। हाँ वही तो होती है गृहिणी की सच्ची कमाई। Enjoy yourselves guys. Thank you sir. क्या बस बस चलो। हाथ धो के आ जा, कॉफी पी ले। आई ये देख मेरी सुबह की पहली कॉफी, वो भी दोपहर के 1:30 बजे। बेटा अरे बेटा, तुम्हारे पास थोड़ा केचप है? केचप हाँ है ना, पर ये क्या हुआ? वो क्या हुआ, हम लोग सैंडविच खाने जा रहे थे अच्छा। तो उसके लिए केचप चाहिए, तो केचप मैंने गलती से डीप फ्रीजर में रख दिया था। बस निकाला, ढक्कन खोलने की कोशिश की तो खुलता ही नहीं, इतना कड़क हो गया था। तो मैंने खोलने के लिए धीरे धीरे उसको पटका और ये फूट गया। अरे बाप रे। हाँ अब तो मैं ये जो पिघला हुआ ये है ना, ये केचप निकालने की कोशिश की लेकिन राधिका मना कर रही है यू नो। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पापा, कांच वांच आ गया तो मुंह में, मेरे पास केचप की नई बॉटल है मैं देती हूँ। ये लीजिए, मैं थोड़ी सी हरी चटनी भी पैक कर देती हूँ, आप लोग सैंडविचेस खा रहे ना उसके साथ अच्छी लगेगी ना। कर दो, शाम को तुम्हारे सेव पूरी भेल पूरी वगैरह का प्रोग्राम है ना? हाँ भिजवा रही हूँ तो अभी खाएंगे थोड़ा। मैं खा लूँ? हाँ खा लेता हूँ थोड़ा। बिल्कुल अभी बना देते हैं। हाँ, हाँ। राधिका के लिए जरा तीखी वाली भेलपुरी पैक कर देना, उसे तीखी अच्छी लगती है ना। हाउ स्वीट, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं सेवपुरी भेलपुरी और चाट तीनों पैक करके देती हूँ। बहुत अच्छी है। अच्छा भाई ये भी ठंडी हो गई आशा, मेरी कॉफी की नजर उतार, वो जो तू ऐसे ऐसे करती है ना वो कर, आज भले ही कोल्ड कॉफी पीऊं लेकिन कॉफी पीऊंगी जरूर। अगो भाई हुँ? कॉफी मिक्सी में क्यों डाली आपने? आइस लेकर आ आशा। हाँ आंते। आशा तुझे खाना लगा।
You got 6 out of 100? Yes. Why? वो बाकी के 94 marks के जो question थे, उनका जवाब मैंने नहीं लिखा, तो technically I got full marks ना, 6 out of 6. क्यों नहीं लिखा जवाब? कि sir इधर उधर चले गए थे, तो फिर मैंने उनके laptop पर film देखना शुरू किया. Are you serious? Yes. तो ये बाकी के 6 सवाल के जवाब भी क्यों लिखे? तो फिल्म के टाइटल चल रहे थे, उसमें क्या देखना, तो मैंने लिख डाले. मैं तेरा क्या करूं अधर्व? मुझे माफ करो, उसको छोड़ दो और फिर मुझे वार्निंग देके बोलो कि अथर्व यू हैव टू इम्प्रूव करके. ओके, अदरवाइज नो भेलपुरी, नो सेवपुरी, नो चाट फॉर यू. हेलो वन, तुम वंदना ही हो ना? अब की बार रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा, तुम्हारी आशा रानी जा चुकी. मेरी आशा रानी? थक गए हो ना? तुम काफी टायर्ड लग रही हो वंदो. लग रही थी बोलो, पर राज के राज में सारी थकान दूर. चलो मेरी चिट्ठी का जवाब तो दो. कौन सी चिट्ठी? टिफिन के पहले डब्बे में रखी थी, पढ़ी नहीं तुमने? अच्छा अच्छा वो. संभल कर रखी है मैंने. पहले नहाऊंगा, उसके बाद में रोमांटिक जवाब दूंगा. अरे टिफिन लेके कहाँ जा रहे हो? एक मिनट लाओ. दो फॉर चेंज. तुम नहा लो, मैं खाना बनाता हूँ. अरे भेलपुरी और चाट है राज, सब रेडी हो चुका है और मैं नहा चुकी हूँ. दो. तो नहाते नहाते मैं टिफिन साफ कर लूंगा. बाथरूम में टिफिन साफ करोगे? वो सिंक है किचन में अभी भी. लेकिन किचन सिंक में नहाने बैठूंगा तो कैसा लगेगा? और आशा आ गई तो कैसा है? किचन सिंक में आप आइए. आप अच्छा, बाय द वे वो जीरा राइस वो कच्चा तो नहीं था ना? राइस तो मक्खन और जीरा तो हीरा. जीरा राइस बहुत बढ़िया था. और वो सूखी आलू सब्जी सफेद वाली जन्माष्टमी स्पेशल. ओहो, ला जाओ, मतलब खाते ही बांसुरी बजने लगी. और व्हाइट वेजिटेबल कोरमा वो खाया ना? हाँ हाँ, वो तो बेस्ट. व्हाइट वेजिटेबल कोरमा जो था वो पीला पड़ गया. हाँ, और जीरा राइस को देखकर आपने आबरा कडाबरा ऐसा बोला होगा, वो पराठा बन गया. फिर इसे खाकर आपने कहा होगा वाह वंदु रानी. तो ये सुनकर तो सफेद आलू की सब्जी शर्म से लाल लाल हो गई. मैं नहाकर खा लूं फटाफट. टिफिन तो आज होगा ही पूरा पूरा खाली. बताना खाना अच्छा था या खाना बनाने वाली तुम्हारी बंदो. कंपास नहीं मिल रहा था और सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं दो बर्नी के ढक्कन. तो एक बर्नी के ढक्कन से काम नहीं चला सकते थे तुम? दो अलग अलग साइज के सर्कल बनाने थे. स्टडीज के लिए मेहनत करो तो भी डांट पड़ती है. नहीं, वो बर्नी टूटने का बुरा
डैडी मम्मा यू नो व्हाट आई विल गेट एटलीस्ट 86 आउट ऑफ 100 इन माय प्रीलिम्स वेरी गुड बेटा पर हम तो फेल हो गए I got a big zero. And you know why? क्योंकि हमारा पेपर चेक करने की तो किसी ने जरूरत ही नहीं समझी अब तो हाउसवाइफ है ना भला हाउसवाइफ की भी कोई परख होती है हाउसवाइफ की ना कोई परख होती है ना कोई पहचान बंधु के अंदर कोई भूत है क्या बिहार से मुझे उतारना होगा गुड इवनिंग मन्ना भाभी गुड नाइट मन्ना भाभी मोहिनी आई एम वी फॉर वर्किंग वुमन उसके मापिक मामूली गुरुहिनी थोड़े हूँ सही बोल रही थी आशा उसके सामने मैं सिर्फ मामूली हाउसवाइफ के फेल हाउसवाइफ हूँ बड़ी आई थी बोलने वाली हाउसवाइफ भी वर्किंग वुमन होती अरे काहे की वर्किंग वुमन तनख्वाह ना मिले ना सही छुट्टी ना मिले ना सही थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी शाबाशी तो मिल ही सकती है लेकिन नहीं टिफिन खोल के खाना तो दूर देखा तक नहीं और ऊपर से झूठ बोल दिया अरे कम से कम सच ही बोल देते कि राज वो दिन भर भागदौड़ में ना ढंग की कॉफी भी नहीं पी पाई तो शायद इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गई आई एम सो सॉरी इनफैक्ट आई एम सॉरी रियली आई एम सॉरी मम्मी मम्मी कमियो देखो 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 मेरे चार्ट सर्कल में बनाया है तो इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr सो इट इज 22 सेंटीमीटर मेजर करके देख लो वेरी गुड मम्मा हम मीठी चटनी के लिए तो आपको 97 आउट ऑफ 100 तीखी चटनी के लिए 100 आउट ऑफ 100 वो तुम्हारी आशा रानी ने बनाई है मैं नहीं खा रहा वाह तो पता बच्चों अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं आती है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ राइट किसी नई कंपनी में नए लोगों के साथ काम कर सकता हूँ लेकिन जो होम मेकर होती है ना जो गृहिणी होती है उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता उसे जिंदगी भर वो जॉब निभानी होती है और उसे कोई थैंक यू भी नहीं कहता So, Vandana, thank you very much. Seriously, thanks a lot. Thank you, Mom. For more updates, subscribe to our channel, click the show links, and enjoy watching the videos.